नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरआरबी मैथ की 94 में और मैं हूं अनिल कुमार। दोस्तों आज की वीडियो में टाइम एंड वर्क पार्ट 4 के बारे में डिस्कस करेंगे और इस वीडियो में हम दो टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं समय और काम यानी टाइम एंड वर्क पार्ट 4 और टाइप 9 का पहला क्वेश्चन हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक किसी काम को 20 दिनों में कर सकता है तथा बी उसी काम को 30 दिनों में कर सकता है। दोनों साथ साथ काम करना शुरू करते हैं पर काम समाप्त होने के 5 दिन पहले एक काम करना छोड़ देता है। काम समाप्त होने में कुल कितना समय लगेगा? एक किसी काम को 20 दिन में करता है और बी 30 दिन में करता है, तो दोनों का काम 20 और 30 का एलसीएम निकालेंगे तो 60 होगा। तो 20 दिया 60, यह 3 काम करेगा और 30 दुना के 60, यह 2 काम करेगा। यानी ए 3 काम करेगा, बी 2 काम करेगा। तो क्वेश्चन में पूछा है कि दोनों साथ साथ काम करना शुरू करते हैं पर काम समाप्त होने के 5 दिन पहले ए काम करना छोड़ देता है। 5 दिन पहले कर रहा है ए काम छोड़ देता है, तो 5 दिन पहले जब एक काम करना छोड़ देता है तो उसको पकड़ कर ज़बरदस्ती काम करवाइए। यानी 5 दिन पहले एक काम करना छोड़ देता है तो 5 इसको ज़बरदस्ती काम करवाएंगे और 5 में 3 का गुणा कर देंगे तो 5 × 3 = 15 काम हो गया। यानी 15 काम हो गया तो पूरे काम में 15 जोड़ देंगे, 15 जोड़ देंगे तो 60 और 15 जोड़ेंगे तो होगा 75। यानी कुल 75 काम हो गया। अब 75 काम को कौन करेगा? तो 75 काम को या दोनों मिलकर करेंगे तो 3 और 2 = 5, दोनों का मिलकर 5 काम हुआ, दोनों का मिलकर 5 काम हुआ। और 5 काम और यहाँ करना है 75, तो 5 से भाग कर देंगे 75 में तो हो जाएगा 15 दिन। ये 15 होगा और 15 दिन ही आपका आंसर होगा। यानी आंसर आपका 15 दिन होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन, एक किसी काम को 10 दिनों में कर सकता है तथा बी उसी काम को 20 दिनों में कर सकता है। दोनों साथ साथ काम करना शुरू करते हैं पर काम समाप्त होने के 3 दिन पहले बी काम करना छोड़ देता है, तो काम समाप्त होने में कितना समय लगेगा? तो कह रहा है कि एक किसी काम को 10 दिन में करता है और बी 20 दिन में करता है, तो दोनों का एलसीएम कितना होगा? दोनों का एलसीएम 20 होगा, तो 10 दुना के 20 होगा और 20 × 20 यानी ए का 1 दिन का काम 2 और बी का 1 दिन का काम 1। तो ये कह रहा है दोनों साथ साथ काम करना शुरू करते हैं पर काम समाप्त होने के 3 दिन पहले भी काम करना छोड़ देता है। जब 3 दिन पहले भी काम करना छोड़ देता है तो बी से ज़बरदस्ती काम करवाएंगे, तो यानी यह 3 काम करेगा तो 3 × 3 यानी 3 हो गया, यानी 3 काम हो गया। अब 20 में 3 को जोड़ देंगे,
बीस में तीन जोड़ेंगे तो बीस में तीन जोड़ेंगे तो हो गया तेईस, कुल काम तेईस हुआ। और तेईस काम को कौन करेगा, तो तेईस काम को करेगा, तेईस काम यहाँ पे करे, दोनों साथ साथ काम करना शुरू करते हैं तो दोनों का काम कितना हुआ, दो और एक तीन, यानी दोनों का तीन काम हुआ। तो तीन से भाग कर देंगे तो तीन सते इक्कीस हो जाएगा, तीन सते इक्कीस और इक्कीस और दो तेईस और बटे तीन, यानी सात सही दो बटे तीन, ये हुआ आंसर। यानी सात सही दो बटे तीन दिन में यह काम को समाप्त कर लेगा। चलिए आगे चलते हैं, टाइप दस का पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है ए किसी काम को पंद्रह दिन में कर सकता है जबकि बी उसी काम को बीस दिनों में तथा सी उसी काम को बारह दिनों में कर सकता है। यदि तीनों मिलकर काम करना शुरू करें और ए काम समाप्त होने के पाँच दिन पहले काम करना छोड़ दे तो काम समाप्त होने में कुल कितना समय लगेगा। तो ए पंद्रह दिन में करता है और बी बीस दिन में करता है और सी बारह दिन में करता है। तो तीनों का एलसीएम निकालेंगे, तीनों का एलसीएम कितना होगा, तीनों का एलसीएम साठ होगा। तो पंद्रह चौके साठ और बीस तिहाई साठ और बारह पचे साठ, यानी ए एक दिन में चार काम, बी एक दिन में तीन काम और सी एक दिन में पांच काम करता है। अब क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि यदि तीनों मिलकर काम करना शुरू करें और एक काम समाप्त होने के पाँच दिन पहले काम करना छोड़ देता है। कह रहा है एक काम समाप्त होने के पाँच दिन पहले काम करना छोड़ देता है तो इससे ज़बरदस्ती काम करवा लेंगे। यह पाँच काम करने के बाद पाँच काम यानी पाँच दिन पहले काम करना छोड़ देता है तो पाँच चौके बीस, या बीस काम कर दिया और बीस काम को इसमें साठ में ऐड कर देंगे तो साठ बीस कितना हुआ, अस्सी हुआ, साठ बीस अस्सी। अब अस्सी काम को कह रहा है तीनों मिलकर काम करना शुरू करते हैं तो अस्सी काम है और अस्सी काम को यह चार तीन सात, सात आ पाँच बारह, यानी टोटल बारह हुआ। यह तीनों को जोड़ेंगे और तीनों जोड़ने पे बारह हुआ, यानी तीनों एक दिन में बारह काम करते हैं तो अस्सी में बारह से भाग कर देंगे तो यहाँ पे चार तिहाई बारह और चार दुना के आठ काटेंगे होगा बीस बटे तीन, तो बीस बटे तीन तीन हुआ। और तीन में से भाग करेंगे, तीन से भाग करेंगे तो तीन छक्के अट्ठारह, यानी छः सही दो बटे तीन, छः सही दो बटे तीन, ये हुआ आंसर। यानी छः सही दो बटे तीन दिन में काम करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, ए बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 10 दिनों 20 दिनों तथा 30 दिनों में समाप्त करते हैं। यदि तीनों मिलकर काम करना शुरू करें लेकिन एक काम पूरा होने के एक दिन पहले तथा बी काम समाप्त होने के तीन दिन पहले काम करना छोड़ दे तो काम समाप्त होने में कुल कितना दिन लगेगा। तो एक काम करता है 10 दिन में और बी काम करता है 20 दिन में और सी काम करता है 30 दिन में। तो तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो तीनों का एलसीएम होगा 60 और 10 छक्का 60 या 6 दिन में करेगा
और ये 20 तिहाई 60 तीन दिन, 20 तिहाई 60 यानी तीन काम हो गया, और 30 दुना के 60 यह दो काम हो गया, यानी ए का 6 काम, बी का 3 काम और सी का 2 काम हुआ। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है, लेकिन एक काम पूरा होने के 1 दिन पहले तथा बी काम समाप्त होने के 3 दिन पहले काम करना छोड़ देता है, यानी 1 दिन पहले ए 1 दिन पहले, तो इसे 1 दिन ज़बरदस्ती काम करवाएंगे तो गुणे 1 हो गया, और बी 3 दिन पहले तो इसको भी पकड़ के ज़बरदस्ती काम करवाएंगे, तो 1 6 का 6 हुआ, यानी ये 6 काम कर दिया, ये 3 3 के 9 या 9 काम कर दिया, यानी ए 6 काम किया और बी 9 काम किया, तो दोनों को ऐड करेंगे, दोनों कितना काम किया, तो 9 और 6 15 काम दोनों कर दिए हैं, और 60 में क्या काम करेंगे, 15 को जोड़ देंगे, तो 15 को जब जोड़ेंगे तो 60 15 75 होगा, 75 हुआ, यहाँ पे हो गया 75 हुआ, और 75 बटे सबका मिलाकर कितना काम हुआ, 6 3 9 और 9 2 11, यानी टोटल हो रहा है 11, यानी टोटल 11 हुआ। अब 11 से इस 75 में भाग लगा देंगे तो 11 6 66 हुआ, 11 6 66 और 66 यहाँ पे 9 बचा बटे 11 हुआ, यानी आपका आंसर आएगा 6 सही 9 बटे 11, 6 सही 9 बटे 11 दिन। क्वेश्चन में पूछा है कि काम करना छोड़ दे तो काम समाप्त होने में कुल कितना दिन लगेगा, तो कुल कितना दिन लगेगा, कुल 6 सही 9 बटे 11 दिन लगेगा, यही आपका आंसर हुआ। चलिए अगला 11 टाइप में एक क्वेश्चन देखते हैं। ए बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 10 दिनों 15 दिनों तथा 12 दिनों में समाप्त करते हैं, यदि तीनों एक साथ काम करना आरंभ करें, लेकिन एक काम शुरू होने के 2 दिन बाद तथा बी काम समाप्त होने के 1 दिन पहले काम करना छोड़ दे तो काम समाप्त होने में कुल कितना समय लगेगा, तो यानी ए 10 दिन में करता है और बी 15 दिन में करता है और सी 12 दिन में करता है, तो तीनों का एलसीएम निकाल लेंगे, तीनों का एलसीएम होगा 60, तो 10 6 का 60 6 दिन हुआ, 15 4 के 60 4 दिन हुआ और 12 5 60 5 दिन हुआ। यहाँ पे क्वेश्चन दे करके रखा है कि एक काम शुरू होने के 2 दिन बाद, एक काम शुरू होने के 2 दिन बाद तथा बी काम समाप्त होने के 1 दिन पहले काम करना छोड़ दे तो, यहाँ पे दिया है शुरू होने के 2 दिन बाद, लेकिन इसके पिछले वाले क्वेश्चन में दिया था समाप्त होने के 2 दिन बाद, थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन बदला हुआ है, तो इसको इस प्रकार से लगाएंगे। देखिए यहाँ पे कह रहा है एक काम शुरू होने के 2 दिन बाद, तो यहाँ पे ए 2 दिन बाद, तो कितना होगा, 2 6 के 12 काम हो जाएगा। फिर कह रहा है कि बी काम समाप्त होने के 1 दिन पहले काम, ये 1 दिन पहले यानी पहले काम करना या छोड़ देता है तो इसे ज़बरदस्ती काम करवाएंगे, तो गुणे 1 हो जाएगा, तो 4 1 कम 4 हुआ, या ज़बरदस्ती पकड़ के काम करवाएं तो यहाँ पे प्लस लिख लीजिएगा और यहाँ पे माइनस लिख लीजिएगा, तो यहाँ पे -12 है और +4 है,
तो यहाँ पे पूरा टोटल काम 60 है, पूरा काम 60 है, तो 60 माइनस 12 और प्लस 4 होगा तो 60,064 होगा। 60,064 जोड़ेंगे और 64 में से 12 घटा देंगे तो हो गया 52। 64 60,064 64 में से 12 घटाया गया है तो हुआ 52, यानी टोटल 52 काम हुआ। अब 52 काम को ये बी और सी करेंगे तो बी और सी का काम कितना हुआ, 5 और 4 9 हुआ, यानी यह 9 हुआ। तो 9 से भाग कर देंगे इसमें, 9 से भाग करेंगे तो 5 सही 9 7/9 होगा, यानी 5 सही 7/9 दिन लगेगा। ये हुआ आपका आंसर। तो क्वेश्चन में कहा है कि काम समाप्त होने में कुल कितना समय लगेगा, तो कुल कितना समय लगेगा तो 5 सही 7/9 दिन लगेंगे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए। धन्यवाद।